लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। कलेक्टर ने कहा सड़कों की हालत सुधारने को अभी से करें टेंडर, बरसाती मौसम रुकते ही शुरू हो जाए काम। कलेक्टर ने नगर परिषद UIT PWD व RUIDP को निर्देशित किया है कि वर्षा के समय में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर लें तथा वर्षा ऋतु समाप्त होने के साथ ही सड़कों की मरम्मत, निर्माण व पेच वर्क तुरंत प्रभाव से शुरू हो जाने चाहिए। बुधवार को जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि निविदा के कारण कोई भी काम या कोई भी जनसेवा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अगर निविदा के अभाव में काम में देरी या जनसेवा प्रभावित हुई तो इसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा। जिले में करीब 13,000 श्रमिकों के 7.5 करोड़ बकाया। कलेक्टर ने श्रम विभाग को निर्देशित किया कि 3 करोड़ रुपए के बजट का वितरण लाभार्थियों को तत्काल उपलब्ध करवाएं। शेष लाभार्थियों के लिए लगभग 7.50 करोड़ की जरूरत है, इसलिए सरकार को पत्र लिखें। श्रम विभाग के पास लगभग 2268 तथा विकास अधिकारियों के पास लगभग 11,000 आवेदन लंबित हैं। अधिकतम किसानों को मिले फसल बीमा योजना का लाभ, आवेदन की 3 अगस्त है अंतिम तारीख। कलेक्टर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ अधिकतम किसानों को मिलना चाहिए। खरीफ फसल की अधिसूचना जारी हो चुकी है तथा इस योजना का लाभ लेने के लिए 3 अगस्त तक आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभाग की ग्राम स्तर तक की मशीनरी को सतर्क करें तथा अधिकतम किसान फसल बीमा योजना का लाभ लें, ऐसी व्यवस्था करें। बैठक में ADM सतर्कता वीरेंद्र वर्मा, आयुक्त सुनीता चौधरी, UIT सचिव कैलाश चंद शर्मा, DSO ऋषि बाला श्रीमाली, समाज कल्याण के सहायक निदेशक BP चंदेल, SI डिस्कॉम के कसवा, CMHO डॉक्टर नरेश बंसल, PMO डॉक्टर सुनीता सरदाना, ADCDS उप्पल, RUIDP के SI दलीप गौड़ सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर ने CMHO को निर्देशित किया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में अनियमितता संबंधी शिकायतें आ रही हैं, इनकी जांच करवाकर रिपोर्ट दें। CMHO को भामाशाह योजना में लाभान्वित परिवारों की जांच के आदेश, मांगी रिपोर्ट। कलेक्टर ने CMHO को निर्देशित किया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में अनियमितता संबंधी शिकायतें आ रही हैं, इनकी जांच करवाकर रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा कि जिला अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की अलग से जांच की जा रही है। इस योजना के तहत मरीजों को लाभान्वित करने के बहाने जानबूझकर निजी अस्पताल बड़े बड़े बिल बनाकर सरकारी कोष को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने CMHO से निजी अस्पतालों में भर्ती हो इलाज करवा चुके मरीजों की बीमारी और उपचार की जांच करने के निर्देश दिए। डिस्कॉम ने 6,000 ढाणियों में से अब तक रोशन की महज 400 कौमा काम में तेजी लाए। कलेक्टर ने डिस्कॉम SI से कहा कि जिले में प्रत्येक घर व ढाणी तक दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विद्युत योजना के तहत 6,000 ढाणियों को चिन्हित किया गया था, इनमें से अब तक महज 400 ढाणियों में ही बिजली पहुंचाई गई है। इस काम में तेजी लाएं, अन्यथा देरी के लिए संबंधित अभियंता स्वयं जिम्मेदार होगा। इस योजना के बाद गांवों व ढाणियों में ज्यादा से ज्यादा बिजली पहुंचेगी।